दोस्तों, अगर आप लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझता हूँ। एक तो आपको मोटे लिगामेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी आपकी रिकवरी फास्ट होनी चाहिए, और तीसरा आपको एडवांस रिहैब की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ पे सब मरीजों को सेम नहीं आंका जाता, जिसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम तैयारी कराते हैं। हेलो दोस्तों, एसीएल लिगामेंट के साथ साथ कई बार आपको दो या तीन लिगामेंट की चोट लग जाती है और इसका इलाज हर जगह होता नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कि पहले आपका एक लिगामेंट जोड़ेंगे, उसके बाद जब दोबारा आओगे तो दूसरा लिगामेंट जोड़ेंगे, तो ऐसे में रिकवरी में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ एडवांस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, जिससे एक साथ ही दो या नहीं तीन लिगामेंट का इलाज भी एक साथ हो जाता है। आज मेरे साथ एक फ़ाइटर मौजूद है जो कि पहलवान है, और उनके दो लिगामेंट टूट गए थे, दोनों का इलाज हमारे यहाँ सफलतापूर्वक हुआ है। आइए, इनकी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा कुलदीप सिंह है। कुलदीप सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हो, क्या काम करते हो? मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर का, और आर्मी में जॉब करता हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ। आप कौन से भार वर्ग में खेलते हो? मैं सुपर हैवी 90 kg 90 kg अबो में खेलते हैं। आपको लिगामेंट की चोट कैसे लग गई थी? मेरे को प्रैक्टिस दौरान लगी चोट। तो आपने आसपास में डॉक्टर्स को दिखाया था, क्या राय थी उनकी? पहले चोट लगी तो मैं तो बोला तेरा मांस फटा, बताया मैंने, देसी इलाज करता था, फिर एक्सरे कराया, उसमें कुछ नहीं आया। उसके बाद फिर मैंने MRI कराई, फिर बोला तेरा लिगामेंट गया हुआ है। मैंने दिल्ली पता किया, चंडीगढ़, जलंधर में दो तीन डॉक्टर पता किया हमसे, पर उन्हें बोला हम इसका ऑपरेशन होगा, तो उन्होंने लाज सही नहीं बताया उन्होंने। आपको वहाँ पे संतुष्टि क्यों नहीं हो रही थी? संतुष्टि, मैंने पहले पूछा आप कितने दिन में, एक दिन में कितने ऑपरेशन करते हो इसका? हाँ। बोला हम एक दिन में नहीं, 6 महीने में, 3 महीने में एक करते हो। अच्छा, वहाँ पे रेगुलर ऑपरेशन नहीं होते थे? वहाँ पे ऐसा होता था कि कोई महीने में एक या दो ऑपरेशन होते थे, और आप ऐसा डॉक्टर ढूंढ रहे थे जो डेली के 4-5 करता हो? जी सर। तो यहाँ के बारे में आपको कैसे मालूम चला? यही सर्च करता यूट्यूब पे। अच्छा, यूट्यूब चला मेरे को। तो आप जब यहाँ पर आए तो कई लोग कहते हैं कि सर YouTube पे तो कह देते हैं कि रोज़ ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो पता चलता है उनके पास पेशेंट नहीं होते। यहाँ पे आपने क्या सच्चाई देखी? जो सच्चाई YouTube थी पूरी दिखी है, मतलब जो आपने YouTube पे देखा वो सच्चा है? सच्चा है। और यहाँ का ऑपरेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑपरेशन में तो दर्द के मारे चीख ही निकल गई होगी। नहीं नहीं, कोई नहीं, मैं डर तो रहा, पहले दर्द होगा मेरे को, पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरे को पता नहीं चला ऑपरेशन का। आप ये मानते हो कि ज़्यादा दर्द नहीं होता यहाँ पे? दर्द नहीं होता। अगर कोई और भाई लोग हैं जो कुश्ती के पहलवान हैं और लिगामेंट टूटा है, आप उनको क्या मैसेज दोगे? वो पटियाला जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स इंजरी जाना चाहते हैं, आप क्या मैसेज उनको दोगे? मेरे साथ दोस्त हैं दो मेरे, मैं उनको मैसेज दूंगा, इधर आ जाओ। दोस्तों, अगर आप लोग स्पोर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आपकी प्रॉब्लम्स को मैं समझता हूँ। एक तो आपको मोटे लिगामेंट की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी आपकी रिकवरी फास्ट होनी चाहिए, और तीसरा आपको एडवांस रिहैब की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ पे सब मरीजों को सेम नहीं आंका जाता, जिसकी जो ज़रूरत होती है उसके हिसाब से हम तैयारी कराते हैं, और स्पेशली जो लंबे चौड़े लोग हैं उनको मोटा 10 नंबर का ग्राफ्ट लगाते हैं ताकि आसानी से टूटे ना। अगर आप लोगों को भी लिगामेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो आपको।